मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं पराठा। मुंब्रा और कलवा के बीच लोकल ट्रेन से गिरने वालों की तादाद बढ़ते ही जा रही है। अभी पिछले दिनों मुंब्रा कलवा के बीच लोकल ट्रेन से 3 युवक गिरने से मौत हो गई थी, जिसकी वजह बताई जा रही है कि लोकल ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होना। भीड़ होने की वजह से तीनों अंदर नहीं जा सके और कलवा मुंब्रा के बीच में चलती ट्रेन से ये तीनों युवक नीचे गिर गए थे। इसी तरह कल एक और दुख भरी खबर सामने आई। मुंब्रा और कलवा के बीच चलती लोकल ट्रेन से एक 30 साल की महिला नीचे गिर गई। ये महिला मुंब्रा की रहने वाली बताई जा रही है, जो ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती है। दरअसल सुबह के वक्त ट्रेन में सफ़र करने वालों का भीड़ ज़्यादा रहता है। कल्याण की तरफ से CST जाने वाली लोकल ट्रेनों में डोंबेवली दीवा से ही भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मुंब्रा के लोग ट्रेनों में चढ़ नहीं पाते हैं और जो चढ़ पाते हैं वो बड़ी मुश्किल से ही ट्रेन के अंदर जा पाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग बाहर की तरफ लटक कर ही मुंब्रा से ठाणे तक जाते हैं। इसी तरह 30 वर्षीय साजिया परवेज सिद्दीकी, जो ठाणे में काम करती थी, हर रोज की तरह साजिया ने 9:55 पर बुधवार की सुबह में मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन साजिया भी भीड़ होने की वजह से ट्रेन के अंदर नहीं जा सकी और मुंब्रा कलवा के बीच साजिया का हाथ छूट गया और ट्रेन से नीचे गिर गई। इस घटना की जानकारी ठाणे स्टेशन मास्टर को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल महिला यात्री को ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि महिला को सिर में चोट लगी है। वहीं ठाणे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कई यात्रियों का कहना है कि भीड़ तो ज़्यादातर रहती है, मगर सही समय पर अगर लोकल ट्रेन चले तो थोड़ा भीड़ से राहत ज़रूर मिल सकती है, मगर ज़्यादातर सुबह CST जाने वाली लोकल ट्रेनें आपको देरी से ही मिलेंगी और देरी होने की वजह से भीड़ बढ़ जाती है और इसी भीड़ की वजह से हादसे भी हो जाते हैं, जिस तरह से कल एक महिला यात्री भीड़ होने की वजह से मुंब्रा कलवा रेलवे स्टेशन के बीच में नीचे गिर गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।